ये वो मैट्रेस है जो मैंने उस दिन वैक्यूम किया था और इसको मैं इस बॉक्स में रखूंगी। ये ऐसा बॉक्स है, इसमें रखना है मुझे। तो मैंने सोचा कि ये जो बॉक्स है इसका फिनिशिंग अच्छा नहीं है, तो मुझे इसको अंदर से कलर करना है। पहले मैंने सोचा था कि मैं सनमाइका लगा लूं, लेकिन उसके लिए मुझे किसी को बाहर से बुलाना पड़ेगा। तो अभी मैंने सोचा कि मैं उसको कलर कर लूं। कलर मतलब पहले मतलब उसमें प्राइमर लगाऊंगी, फिर वो ड्राई हो जाएगा तो फिर उसमें कलर लगाऊंगी और वो सूख जाएगा, फिर सेकेंड कोट करके फिर मैं ये मैट्रेस को रखूँगी इसमें। क्योंकि एक बार सामान चला जाएगा तो फिर वो पता नहीं घर में जब गेस्ट आएंगे तभी निकलेगा, तो इसीलिए अभी ये खाली है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये काम कर लूँ, क्योंकि इसका फिनिशिंग स्मूथ नहीं है, थोड़ा रफ लगता है, सफाई करने में भी मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये देखिए ये रफ है, फिनिशिंग स्मूथ नहीं किया उन्होंने, तो इसीलिए मैं इसको सोच रही हूँ कि दो चार अगर मैं कोट कर दूँ तो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा और कपड़ा वगैरह फंस जाता है इसमें तो डैमेज होने का भी चांस है। तो कलर करके फिर वो जो वैक्यूम मतलब गद्दी है, एक्स्ट्रा गद्दी वैक्यूम की थी, उसको एक धुले हुए कपड़े में अच्छे से लपेट के मैं इसके अंदर रखूँगी नैफ्थलीन बॉल के साथ, ताकि वो फ्रेश रहे ज़्यादा दिन तक। तो आज मुझे अभी वही काम करना है। तो अभी सुबह से मैं घर का काम करके ही बिजी थी, ब्रेकफास्ट करना, घर साफ सफाई करना, बर्तन मलना, और लंच के लिए मैं चावल भिगो के आई हूँ, दाल मैं बॉयल करके आई हूँ, सब्जी काट के आई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के आके पहले खाना बनाऊंगी और फिर खाना बनाने के बाद ही मैं दोपहर को ये काम आज स्टार्ट करना ही है। कल ही करना था बट कल नहीं हो पाया, कल भी मुझे बहुत काम था, बिग बास्केट से सब्जी वगैरह आया था, धो के सुखा के अरेंज करना, और दूसरा काम भी था, कल नहीं किया। आज मुझे एनी हाउ स्टार्ट करना है, एक बार स्टार्ट करूँगी तो हो जाएगा, क्योंकि प्राइमर लगाऊंगी पहले, वो लगा के थोड़ा ड्राई होना है, तब तक वेट करना है, उसके बाद ही फिर सेकेंड कोट लगेगा कलर का, तो इसलिए आज मैं ये काम पे लगूंगी। तो फिर चलिए मैं पहले जाती हूँ और नहा के आती हूँ, खाना बनाती हूँ, उसके बाद इस काम पे लगूंगी।
लेंस में कुछ देख गंदा रहा लग रहा है, है? लेंस में कुछ गंदा है क्या? नहीं, हम धूल रहे हैं। तो आज के लिए मेरा हो गया है, मैंने फर्स्ट कोट ऑफ प्राइमर लगा लिया है और अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 9:20 हो रहा है। हमारा डिनर हो चुका है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा तबीयत थोड़ा, तो मैं भी सोने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, मुझे लगता है ये स्मेल की वजह से हो रहा है। तो फिर चलिए मैं सुबह मिलती हूँ आप लोगों से। वैसे तो और कुछ दिखाने का था नहीं, ये फर्स्ट कोट मैंने कर दिया है और फिर धीरे धीरे सेकेंड कोट, मतलब पेंट का फर्स्ट कोट और सेकेंड कोट करूँगी। पूरी जानती हूँ मुझे, रोज तो मेरे को भगा देते थे बदमाश। ये तो कैमरा उधर आओ, ये सब कैमरा समझ में आता लगता है। हाय बाना, ये देखो मैं क्या खा रही हूँ। वो सोचिए रोज तो मेरे को भगा देते, आज बहुत घूमने दिन है, आज से उसके गाने फिर।
तो धुआं धुआं ही जाना। आज नेक्स्ट डे है। कल रात को मैंने बोला था कि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है और मैं सोने चली गई थी, और सही में मैं बताऊँ मैं 9:20 को सोने गई थी। मैं इतनी जल्दी कभी सोने को नहीं जाती हूँ, मुझे नॉर्मली सोते सोते 11:30 होता है। और मैं कभी सोचती हूँ कि मैं एडिटिंग करूँगी, एक ही दिन में सब कुछ ख़त्म कर लूँगी एडिटिंग का काम, तो मुझे 12:30 1 o'clock हो जाता है। तो कल इतना तबीयत ख़राब हो रहा था, हेडेक हो रहा था, तो मैं चली गई सोने के लिए। और थोड़ा सा लेटी तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन बाद में पता नहीं 12 o'clock को इतना ज़्यादा हेडेक बढ़ गया, मेरा नींद टूट गया और बहुत अनइजीनेस फील हो रहा था। मतलब पता नहीं, पैल्पिटेशन हो रहा था, हेडेक हो रहा था, और थोड़ा सा मतलब वॉमिटिंग वॉमिटिंग लग रहा था, अजीब सा हो रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी 12:30 1 o'clock तक। फिर मैं उठी तो मुझे लगा कि मेरे को थोड़ा सा मतलब टैबलेट लेना ही पड़ेगा। मैंने एक्चुअली इवनिंग में टैबलेट नहीं लिया था, मैंने सोचा अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर मुझे लगा मैं तो सो ही नहीं पाऊँगी,
फिर रात को उठ के मैंने दो बिस्किट खाया, क्योंकि खाना खा के काफ़ी टाइम हो गया था। दो बिस्किट खा के मैंने फिर टैबलेट लिया, उसके बाद भी मुझे रिलीफ नहीं हो रहा था। मुझे इतना ज़्यादा अजीब सा लग रहा था और मैं सो नहीं पा रही थी। फिर हस्बैंड उठ गए और फिर बोले कि क्या हो गया तुमको। फिर मैंने बोला बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत हेडेक हो रहा है, अजीब सा लग रहा है। फिर उन्होंने मैंने बोला किचन से सौंफ लेके आओ, फिर मैंने सौंफ खाया, फिर हेडेक इतना ज़्यादा हो रहा था। मैंने बोला नवरत्न ऑयल है इस बेडरूम में, हम अभी इस बेडरूम में नहीं सो रहे हैं, गेस्ट बेडरूम में सो रहे हैं। तो मैंने बोला ये मास्टर बेडरूम में कवर्ड के पीछे नवरत्न ऑयल है, वो लेके आए। वो मैंने मसाज किया रात के 1 बजे, तब जाके मुझे थोड़ा ठीक लगा और जाके नींद लगा। और काफ़ी देर उन्होंने मतलब मेरा हेड मसाज भी करके दिया। तो फिर आज सुबह भी मतलब मेरा हेडेक ठीक नहीं हुआ था। मैं फिर उठ के और भी मैंने तेल वगैरह लगाया सर में, फिर काम तो करना ही है। फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, ब्रेकफास्ट खा लिया, और ये जो पेंट का फर्स्ट कोट था, कल तो प्राइमर लगाया था, मुझे लगता है उसी के स्मेल से मुझे हेडेक आ गया। तो अभी पेंट का फर्स्ट कोट हस्बैंड ने लगाया, उन्होंने बोला कि आज मैं घर पे हूँ तो मैं लगा देता हूँ, तो वो लगा दिए हैं। और अभी मैं जाऊँगी, जाके हेड बात करूँगी, क्योंकि काफ़ी तेल लगाया है। हेड बात करके फिर मैं लंच की तैयारी करूँगी। तो बस यही है, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। मैं पेंटिंग का काम हमेशा करती हूँ, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा मुझे हेडेक आ गया। और ये स्मेल भी, मुझे को ज़्यादा स्मेल लग रहा है, घर में किसी को नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है पूरे घर में स्मेल है। मैं कहीं पे भी जाऊँ मुझे शांति नहीं हो रहा है, स्मेल है स्मेल है। तो इसीलिए हमने पूरा विंडो डोर, बैल्कनी है, बैल्कनी का डोर, बाथरूम का डोर और खोल के एग्जॉस्ट ऑन कर दिया था कि सब कुछ निकल जाए। तो अभी काफ़ी हद तक थोड़ा कम हो गया स्मेल, लेकिन अभी इसको झेलना ही है और 1 सेकेंड कोट पेंट लगेगा। तो ठीक है, फिर चलिए मैं जाके नहा लेती हूँ और फिर उसके बाद आके आप लोगों से मिलती हूँ। गुड इवनिंग। और दोपहर को खाना खाने के बाद मैं सो गई थी, क्योंकि मेरा हेडेक ठीक नहीं हुआ था। तो सुबह मैंने उठ के ब्रेकफास्ट करने के बाद एक टैबलेट लिया था, रात को एक लिया था, उससे भी कम नहीं हुआ था। तो सुबह मैंने मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद एक टैबलेट लिया था, लेकिन उससे भी वो एकदम ठीक नहीं हुआ। और मैंने घर का भी काम किया, कुकिंग वगैरह भी था, तो हेडेक मेरा और थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। तो खाना खाने के बाद इसलिए मैं 2 घंटा सो गई थी। और फिर मैं 6 बजे उठी, उसके बाद थोड़ा ठीक लगा, उसके बाद भी थोड़ा 10% हेडेक था। तो फिर चलिए मैं ये ब्लॉग को आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और मैंने जो लंच में जो आंध्रा स्टाइल फिश करी बनाया था, वो मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो चलिए फिर मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो, जस्ट ये वाला ब्लॉग जाएगा उसके बाद ही वो मैं डाल दूंगी, खाली उसमें वो रेसिपी रहेगा। तो आप में से जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, फिश खाते हैं, आप उसमें देख सकते हैं। और मुझे पता नहीं मैं कैसे उसको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाई हूँ कि नहीं कर पाई हूँ। वो मैंने नेट में देखा था और मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने शायद ये मिला के 3rd टाइम या 4th टाइम बनाया है।
तो वैसे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम लोग बहुत ही कम खाते हैं नॉनवेज, तो ये मैं शायद लास्ट टाइम बनाई थी नवंबर में, और अभी सितंबर में फिर बनाई हूँ, लगभग 10 महीने के बाद, 10 से 11 महीने के बाद मैंने आज उसे बनाया है। तो फिर चलिए चलती हूँ, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप सब बहुत अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, और मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा वो कर मतलब रेसिपी के लिए। तो फिर चलो चलती हूँ, बाय बाय, सी यू।